गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8। ओके, हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे सो दैट आप एक बार उसको याद रख सको क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उन कंसेप्ट को यूज करके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, काफ़ी सारे प्रूफ्स किए थे। तो देखो, वो जो प्रूफ्स है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी प्रूफ वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बट रिवीजन के लिए आपको जो मैं अभी समरी बता रहा हूँ और जिस तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ, तो वो आप एक अपने चैप्टर के बाद नोटबुक में ही समरी में इन द सेम सीक्वेंस लिख सकते हो। ओके, तो समरी में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सो फर्स्ट पॉइंट था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेट क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ठीक है ना। जो नई चीज हमने पढ़ी थी उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। एनी फोर साइडेड फिगर विच इज एनी फोर साइडेड फिगर पढ़ा था, ठीक है, मीन्स एनी क्लोज फिगर, ओके, विच इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, फोर लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हुआ एक क्लोज फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड का मतलब मैंने बताया था, क्वाड का मतलब होता है फोर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फिगर जो फोर साइड्स से मिल करके एक क्लोज फिगर बनाता हो, है ना, फोर लाइन सेगमेंट से मिल करके एक क्लोज फिगर बनाता हो, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब इफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल मेथड है, आप डी बी एक डायगनल बना दो, ठीक है, तो यू विल गेट टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है। एंड फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में प्रूफ करके रखा है एंड ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मीन्स सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी इज 180 डिग्री, ठीक है, मीन्स इन तीनों का सम करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगेन दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 180 प्लस 180 विल बी 360, ठीक है। तो आपका एंगल ए भी इंक्लूड हो गया, ये देखो एंगल बी भी इंक्लूड हो गया, सी भी हो गया और डी भी हो गया, दैट इज वाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद वी हैव सीन दैट अ डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके सारे एंगल्स 360 डिग्री होते हैं। आफ्टर दैट हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे थे, ठीक है, एक तो हो गया सिंपल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल जस्ट मेड अप ऑफ फोर साइड्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ट्रापीजियम, ठीक है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज ट्रैपीजियम, ठीक है, मींस इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल मींस इफ इन अ ट्रैपीजियम और इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है वो क्या हो जाता है, ट्रैपीजियम, ठीक है। आफ्टर दैट इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर क्या हो, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स जो है वो क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल, मींस दिस साइड मतलब इस साइड का अपोजिट होता है ये साइड, ठीक है, एंड इस साइड का अपोजिट होता है इस साइड, अपोजिट मतलब सामने वाला साइड, ओके। तो एक क्वाड्रिलेटरल में यू कैन सी वी हैव टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर का मतलब होता है जोड़े, ठीक है, तो दो ही पेयर है, एक पेयर ये दोनों को मिला करके हो गया और एक पेयर हो गया इन दोनों को, ठीक है ना, तो दो पेयर ही है, वन मीन्स अगर मैं लिख दूं इसको ए बी सी डी, तो फर्स्ट पेयर कौन सा है, अपोजिट साइड्स का पेयर एक है ए डी एंड बी सी, दिस इज द फर्स्ट पेयर, है ना, एंड सेकेंड पेयर इज ए बी एंड सी डी, सो वी हैव टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज अ ट्रैपीजियम, इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये हो गया ए बी सी डी,
ठीक है, इसके बाद पैरलोग्राम की बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा था इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर इक्वल, इस पैरलोग्राम के सारे साइड्स इक्वल है, मींस इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी देन इट विल बिकम अ रोम्बस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, रोम्बस मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरलोग्राम इज 90 डिग्री, अगर एक एंगल को 90 डिग्री करो तो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। ओके, इफ वन पेयर मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री देन योर पैरलोग्राम विल बिकम अ रेक्टेंगल। ओके, एंड इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट विल बिकम अ स्क्वायर। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल, बस कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है सबकी। ठीक है, दैट इज ट्रेपीजियम से ये बना पैरलोग्राम, फिर पैरलोग्राम से रेक्टेंगल बना और पैरलोग्राम से रोम्बस बना, मतलब साइड इक्वल कर दो तो रोम्बस बन जाता है, एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो रेक्टेंगल बन जाता है, और अगर रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल कर दो तो इट विल बिकम अ स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सेकंड चीजें इसके बाद पढ़ी थी कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब आपको पता है, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, मीन्स लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में भी, मतलब 7th 8th में भी पढ़ा होगा, और अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब टू ट्रायंगल्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो आप पढ़ चुके हो। तो बोल रहा है कि एक पैरलोग्राम का जो डायगोनल है, ठीक है, एक पैरलोग्राम का जो डायगोनल है उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, मतलब ये पैरलोग्राम हो गया, लेट अस टेक दिस ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम, इफ आई विल ड्रॉ अ डायगोनल ए सी लाइक दिस देन दिस डायगोनल इज डिवाइडिंग दिस पैरलोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब ये जो दो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी, ओके, वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड ए सी इज ए सी कॉमन, तो एंगल ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इट मीन्स बाकी सारे साइड्स भी इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो देयरफॉर यहाँ से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर इक्वल एंड पैरलर। ओके, फिर इसके बाद आता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम और आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, क्योंकि देखो एंगल ए क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, और एंगल सी की वैल्यू भी है दिस प्लस दिस, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो अभी हमने बस इतना पढ़ा कि एक डायगोनल पैरलोग्राम की क्या करती है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। इसके बाद हमने देखा था कि इन अ पैरलोग्राम आफ्टर दिस प्रॉपर्टी ओनली, हमने ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर दिए, तो इससे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या रिजल्ट निकल के आ गए। सो इन अ पैरलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से भी एक डायगोनल बना दूँ, ठीक है, तो यू कैन प्रूफ एनी टू ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इसको इसको कॉन्ग्रुएंट, इसको इसको कॉन्ग्रुएंट, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो डायगोनल्स है ना, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। एंड बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, सो इट मींस आपको ये तीन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि अगर कोई भी एक पैरलोग्राम, ठीक है, कोई भी एक पैरलोग्राम गिवन है तो क्या क्या चीजें हम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर सकते हैं जो हमने थ्योरम के रूप में पढ़ लिया, मीन्स इट इज अ थ्योरम। तो अगर आपको आपसे कोई पैरलोग्राम दिया है, ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेना है। तो क्या क्या कंसीडर करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस अगर इट इज गिवन कि ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम, तो अब हमें प्रूफ कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली मान लेना कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय डिफॉल्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड एंड दिस इज ऑल्सो अपोजिट साइड, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी का अपोजिट साइड क्या है, सी बी, ठीक है, या फिर बी सी लिख देते हैं इसको, ठीक है, ए बी का अपोजिट साइड सी डी एंड ए डी का अपोजिट साइड बी सी, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब दिस एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल सी, सो सेकेंड चीज दी हुई है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये सारी चीजें हम प्रूफ कर चुके हैं, ओके। सो एज अ थ्योरम वी आर यूजिंग दम, और इन सबको यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करी। और थर्ड कंडीशन दी है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर मैं इसके दो डायगनल बना दूं पैरेललोग्राम के, दैट इज ए सी एंड बी डी, देन दिस ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स डिवाइड देम इंटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज इफ दिस पॉइंट इज ओ देन ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। सो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन आपको प्रॉपर्टी याद रखनी कि अगर कहीं पे भी दिया एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम दे दिया तो इसको इसको और इसको, ये तीन कंडीशन को आप ऑटोमेटिकली कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, जो भी हम पढ़ेंगे। वाइस वर्सा मीन्स अगर ये तीन कंडीशन गिवन है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इनमें से मतलब कोई भी एक कंडीशन गिवन है तो द फिगर बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर पैरेललोग्राम है तो दिस यू कैन टेक ऑटोमेटिकली, ये कंसिडर कर सकते हो, ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। इट मीन्स अगर पैरेललोग्राम दिया है तो आप अपने आप मान लोगे कि अपोजिट साइड इक्वल ही होंगे, अपोजिट एंगल एक दूसरे से इक्वल होंगे, और डायगनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका रिवर्स, दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा इफ, क्या क्या कंडीशन गिवन है, इफ फर्स्ट अपोजिट साइड आर इक्वल, अगर आपको दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट साइड इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये गिवन है ना, कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आप अपने आप कंसिडर कर लोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अगर अपोजिट साइड इक्वल है। सेकेंड, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर अपोजिट साइड नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ बोला ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, देन ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, बिकॉज ये सारी थ्योरम्स हमने पढ़ी है। थर्ड है डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, बट एटलीस्ट पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, मतलब इफ द डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये जो डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, then this figure is a parallelogram, okay. So if OA is equals to OC and OD is equals to OB, then ABCD is a parallelogram, okay. इसके बाद fourth point दिया है, pair of opposite sides is equal and parallel, ठीक है, सबसे important है, इसका बहुत use हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है अगर सिर्फ एक pair of opposite side equal भी है और parallel भी है तो भी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने क्या बात करी थी, इफ बोथ पेयर्स आर पैरेलल देन पैरेललोग्राम, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम, मतलब ए डी इज इक्वल टू सी बी और ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। बोथ पेयर, पहला पेयर है ये दोनों का, दूसरा पेयर है ये दोनों का। अब यहाँ पे फिर एंगल की बात करी कि सारे अपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब ए सी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, बट अब यहाँ पे कह रहा है इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पेयर ले लो, कोई भी ए डी बी सी ले लो या फिर ए बी सी डी ले लो, तो हम अभी ए डी ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, या फिर कोई एक दिया, दूसरा हमने प्रूव कर लिया, तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और ए डी अगर पैरेलल है बी सी के तो भी ये जो ए बी सी डी है ये हो जाएगा क्या, पैरेललोग्राम, देन ऑल्सो ए बी सी डी इज विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये तीन चार कंडीशन जो है ये आपको अच्छे से याद रखने, किसी फिगर को पैरेललोग्राम करने के लिए अगर अपोजिट साइड इक्वल दे दिया है तो पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल इक्वल दे दिया है तो पैरेललोग्राम, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दे दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। और पैरेललोग्राम हो गया तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो जाएंगी, दैट इज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके ओके फाइन। इसके बाद हमने देखो पढ़ा था कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। पैरेललोग्राम की जब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली
हमने स्पेशल टाइप ऑफ पैरलोग्राम पढ़ना शुरू किया। मीन्स हमने ये देखा कि अगर एक पैरलोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री बना दो तो ये एबीसीडी क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही रेक्टेंगल हुआ, आपने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसके जो डायगनल्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं दूसरे को। मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, और ए सी इज इक्वल टू डी बी भी है, दैट्स व्हाई ओ डी इज इक्वल टू ओ ए भी है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसीलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे से इक्वल इसमें रेक्टेंगल में, ओके। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, मीन्स अगर कोई आपको दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल में बोल दिया कि इसके जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी देखोगे कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो बाइसेक्ट तो पैरलोग्राम में करते हैं, बट इक्वल और बाइसेक्ट किसमें करते हैं, रेक्टेंगल में, तो इट विल बी अ रेक्टेंगल, है ना। एक स्क्वायर भी हो सकता है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट रेक्टेंगल की, मतलब रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट रेक्टेंगल तो 100% होगा, ठीक है, इसलिए हम रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं। सिक्स क्वेश्चन दिया है, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब एक रोम्बस है, ठीक है, उसके डायगनल्स क्या कर रहे हैं, उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, मतलब बाइसेक्ट तो कर रहे हैं दोनों डायगनल एक दूसरे को, ठीक है, राइट एंगल पे। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रोम्बस में क्या होता है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। डायगनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करना मतलब आपको पता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और एट 90 डिग्री मतलब जो दोनों डायगनल्स के बीच का एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना, दे आर परपेंडिकुलर। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स मीन्स अगर आपको मान लो दे दिया कि लाइक ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, आपको ऐसे दे दिया कि ये ए बी सी डी है और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और आपको एक प्रॉपर्टी दी कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, ओके, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और इन दोनों डायगनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है दूसरे से, तो इट विल बिकम अ रोम्बस। अगेन सेम चीज बोलूंगा, देखो ये स्क्वायर में भी सेम चीज होती है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल भी होते हैं ना, तो मिनिमम कंडीशन ये रोम्बस की है कि द डायगनल्स आर मीन्स इफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा कंडीशन दी है कि डायगनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री या बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो इट विल बिकम अ रोम्बस, ओके। ये प्रॉपर्टीज आप याद करते जाइएगा, है ना, अच्छे से पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए, बिकॉज इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखा था डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल, ठीक है। फाइनली हमने जो देखा कि जो आपका रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस के डायगनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसा एक रोम्बस जिसके जो डायगनल्स हैं बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे अगर रोम्बस है तो 90 डिग्री पे, बट अगर डायगनल्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री और बोथ आर इक्वल ऑल्सो, ठीक है। मीन्स दिस इज ए बी सी डी, तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड दे आर इक्वल, सो ए सी इज इक्वल टू बी डी और दिस इज ओ, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, मतलब इक्वल भी है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है ना, मीन्स ए सी एंड BD bisect each other, ठीक
है, दोनों डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पर भी है और दोनों डायगनल्स इक्वल भी है। ठीक है, रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते क्योंकि देखो रोम्बस ऐसा भी हो सकता है ना, ऑब्वियसली अलग डायगनल छोटा होगा या डायगनल इक्वल मतलब ग्रेट होगा, बट बाइसेक्ट तो करेंगे ही और 90 डिग्री पर ही रहेंगे, तो अगर डायगनल इक्वल जाए तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बनता है, सॉरी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखा था एट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। एंड इज हाफ ऑफ इट, ये मैंने आपको ऐड कराया था थ्योरम में। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ने इसको बोला कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ऐसे ट्रायंगल दिया लेट अस टेक, ठीक है, सो लेट अस सो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, इस किसी मतलब इन तीन ट्रायंगल में से किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो अब हम बना के देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बना देते हैं, इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स को के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बना देते हैं, और इस फिगर में ये दोनों पॉइंट्स बना दिए जो मिड पॉइंट है। ठीक है, सो तो बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ओके, एंड हाफ ऑफ इट। तो मतलब ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, ठीक है ना, मान लो ये ए बी सी है, तो ट्रायंगल में कौन कौन से साइड है, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, सो दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, तो ये कौन कौन से साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक ए बी के, ए बी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और एक ए सी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट लेट अस टेक डीई, ओके, तो इन दोनों को तो टच कर रही है, तो इनसे पैरेलल होने से कि थर्ड साइड कौन सा बचा, बीसी, सो दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड व्हिच इज बीसी, ओके, तो यही लिखा है आपका, एंड दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। और एक चीज और, जो आपको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है डीई, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, ओके, डीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, ओके। देखो इसी तरीके से बाकी में भी होगा, हेयर लेट अस टेक दिस इज ए बी सी अगेन, सो हेयर दिस लाइन सेगमेंट डी ई इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ सी ए एंड बी सी, मतलब ए सी एंड बी सी, ओके, सो द थर्ड साइड विल बी ए बी, देयर फोर डी ई विल बी पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, ओके। अब ये ट्राइंगल चाहे आप ऐसा बना लो, ठीक है, मीन्स इसको ए बी सी रखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सी और ए बी को, बी सी और ए बी के मिड पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, मतलब ए सी से पैरेलल रहे हैं यार, लेट अस से ई डी, सो ई डी इज पैरेलल टू ए सी है एंड ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने एट पॉइंट पढ़ी थी और इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोले थे। इस मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हमने काफी सारे प्रूफ किए हुए हैं, है ना, और मिड पॉइंट थ्योरम के बाद हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ी थी। कन्वर्स में क्या पढ़ा था, तो कन्वर्स में हमने पढ़ा था इफ अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब देखो मैंने आपको ट्रायंगल को इसको बहुत डिटेल में बताया था कि ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन साइड्स होते हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो अगर इन तीन साइड में से किसी दो साइड्स के, किसी भी दो साइड के, है ना, ए बी भी हो सकता है, मतलब ए बी बी सी हो सकता है, ए बी ए सी हो सकता है, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे, ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये थर्ड साइड के मतलब बी सी के पैरेलल होती है और बी सी की हाफ होती है, ये हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में। इसका रिवर्स पढ़ा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि एक साइड के, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही हो और सेकेंड साइड से पैरेलल हो, मतलब अगर इस साइड के, लेट अस टेक दिस इज ए बी, अगर ए बी के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जा रही है जो कि बी सी से पैरेलल है, ठीक है, तो वो ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना, मतलब ए सी के मिड पॉइंट से ही होकर के गुजरेगी, मतलब दिस पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ओनली। ये था रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है। तो तीन कंडीशन है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड पैरेलल। इनमें से कोई भी दो कंडीशन ट्रू हो तो तीसरी अपने आप ट्रू हो जाती है। मतलब अगर इस साइड का ये मिड पॉइंट है और इसी साइड का ये मिड पॉइंट है और इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो दो मिड पॉइंट है तो तीसरे साइड से पैरेलल ही होगी। या फिर अगर यहाँ पे दिया है कि ए बी का मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जा रही जो बी सी से पैरेलल है, ठीक है, तो इस साइड का ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट ही होगा, मतलब ए सी को बाइसेक्ट ही करेगी, ये रूल है, ठीक है ना। ये रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। तो बोला एक क्वाड्रिलेटरल जो बनता है ना, किसी भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लो रैंडम, मतलब लेट अस टेक इस तरीके से हमने एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ओके। इस रैंडम क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स के मिड पॉइंट से, ठीक है, अगर मैं इन सभी के मिड पॉइंट से एक फिगर बना लूं, ठीक है, वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। से लिखा तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बॉय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब इस पैरेलल में अगर मैं इस ऑर्डर में अगर मैं जॉइन करता जाऊं इनको, तो ये जो फिगर बनता है ना ये क्या बनता है, ठीक है। इसे ये लास्ट में हमने थ्योरम करी थी और इम्पोर्टेंट था, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें हमने देखी थी, इन कंसेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चन को जब आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको बनेगा। और हमने एट चैप्टर बस इतना ही पढ़ा, इसके बाद हम या तो नाइन चैप्टर जो इसके आगे पढ़ना चाहिए या फिर जो फिफ्थ चैप्टर बचा हुआ उसको कवर करेंगे। तो आप लोग एक बार मेरे को बता देना, वैसे एग्जाम के पोर्शन के हिसाब से तो फिफ्थ चैप्टर जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसको पहले कवर करना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो और कुछ इस चैप्टर में था नहीं, बस ये जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है इनको अच्छे से नोटबुक में लिख करके याद रखना और इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके ही सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो आज लाइव क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू नेटवर्क इशू, अदरवाइज आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी अभी कंसिडर करके अभी आपके डाउट्स क्लियर कर देता, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट भी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेना, कहीं पे कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द नेक्स्ट क्लास, ओके, या फिर आप लोग मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो, ग्रुप में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस मैंने सारे करा ही दिए हैं, सारे वीडियोस यू विल गेट इट इन स्टडी मटेरियल में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल से जा करके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, सारे कंसेप्ट को समझिए, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछिए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ के लिए भी और इवन इसके कंसेप्ट आपके टेंथ इलेवेंथ में भी बहुत काम आएंगे। तो आई गेस रिविजन में इतना काफ़ी है, ठीक है, बिकॉज बाकी का रिविजन पोर्शन आप लोग को करना है। सो राइट नाउ आई विल एंड द क्लास, ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड